आज ईश्वर तुमसे कह रहे हैं कि तुम स्वयं को क्षमा कर दो, स्वयं को माफ कर दो, पूर्ण रूप से स्वयं को क्षमा कर दो। नकारात्मक घटनाओं को मन से त्याग दो, उन घटनाओं को त्याग दो जो अतीत में घटित हो चुकी है, जो तुम्हारे वर्तमान को नकारात्मक प्रभाव कर रही है। तुम उन नकारात्मक अतीत के कैदी बन रहे हो। अतीत के पिंजरे में बंधक बनते जा रहे हो। बार बार अपनी उसी गलती को, अपराध को, भूल को, त्रुटि को याद कर करके अपने मन में उसे हर पल जीवंत बनाए रखकर स्वयं के मन में उसे बार बार अनुभव करके उसी अतीत में जीते रहने का अर्थ है स्वयं को अतीत का बंधक बना देना। अतीत के संदर्भ में जो नकारात्मक घटना घटी उसके पहलुओं को सोचते रहना, काश ऐसा किया होता तो, काश वैसा किया होता तो, ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना उचित था, काश, यह काश ने तुम्हारे वर्तमान को लाश बना दिया है। कुछ भी मत सोचो जो बीत गया है, कोई विश्लेषण मत करो, केवल अतीत को त्याग दो। जो तुम्हारे वर्तमान को उदासी दे रहा है, आगे बढ़ जाओ और स्वयं को संपूर्ण रूप से क्षमा दे दो। स्वयं को मुक्ति दे दो। तुमने जो भी किया था, जो भी निर्णय लिया था, वह अब सब कुछ तुम्हारा अतीत है। स्वयं को क्षमा देकर आत्मग्लानी से बाहर आ जाओ। अपराध भाव को, आत्मदया को त्याग दो। बस अब केवल स्वयं को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, स्वयं को क्षमा कर दो।